जिस तरह से पंजाब में मुख्यमंत्री के भतीजे और उनके करीबी लोगों के यहाँ ईडी की छापेमारी हो रही है, जो टाइमिंग है ये दर्शाता है कि राजनीति से प्रेरित है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं ईडी इनकम टैक्स सक्रिय हो जाती है। बंगाल में यही हुआ, उत्तर प्रदेश में यही हुआ, तमिलनाडु में यही हुआ, महाराष्ट्र में इसी तरह का खेल हो रहा था। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर टिप्पणी की है और इस घटना के बाद उस पर मोहर लग रही है। जिस तरह से पंजाब में मुख्यमंत्री के भतीजे और उनके करीबी लोगों के यहाँ ईडी की छापेमारी हो रही है, जो टाइमिंग है ये दर्शाता है कि राजनीति से प्रेरित है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं ईडी इनकम टैक्स सक्रिय हो जाती है। बंगाल में यही हुआ, उत्तर प्रदेश में यही हुआ, तमिलनाडु में यही हुआ, महाराष्ट्र में इसी तरह का खेल हो रहा था। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर टिप्पणी की है और इस घटना के बाद उस पर मोहर लग रही है।